कैसा लगा वैसे? बहुत अच्छा लगा, ये हमारे को ब्लॉगर मिले, इनके सब्सक्राइबर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। भीम लेक पे इधर हम आ रहे थे, भीमशिला से हम सौरभ द्वार की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई, अच्छे से बातचीत हुई, बहुत ही अच्छा व्यवहार था इनका। ये हमारे साथीगण है, साथीगण इतना नहीं बोल रहे हैं, और जिंदगी में एक बार माना जरूर आए, कम से कम, और एक बार आओगे तो बार बार आने का मन करेगा, एक बार बद्रीनाथ भी जरूर आए। कोहरे के तौर पर बन जा रहा है, तो इसीलिए ये है पूरी तरह से ग्लेशियर बर्फ का, पर नीचे भाई साहब सारे सब्सक्राइब करो भाई को, मैं भी सब्सक्राइब करूँगा भाई साहब आपको, कार्ड मत देना मैं दे दूँगा, ये पक्का गोप्रो, एक गोप्रो नहीं जा रहे, आ रहे जा रहे। अब गाँव पर बिलीव मत करना जी, सब सही है यहाँ पर, मेरे को ना भी अपने साथ के कुछ लोग मिले। आप लोग कहाँ से हो? हम हिसार से, हरियाणा से, अलग अलग क्षेत्र से हैं। देखो हरियाणा से उत्तराखंड आए हैं घूमने के लिए, कैसा लगा वैसे? बहुत अच्छा लगा, ये हमारे को ब्लॉगर मिले, इनके सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। भीमा लेक पे इधर हम आ रहे थे, भीमशिला से हम सौरभ द्वार की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई, अच्छे से बातचीत हुई, बहुत ही अच्छा व्यवहार था इनका। ये हमारे साथीगण है, साथीगण इतना नहीं बोल रहे हैं, और जिंदगी में एक बार माना जरूर आए, कम से कम, और एक बार आओगे तो बार बार आने का मन करेगा, एक बार बद्रीनाथ भी जरूर आए, एक बार पूरे चार धाम ही पूरे कर लो, कह बोल दो ना। हाँ बहुत अच्छी, चार धाम पंच के धार, मन को शांति का माहौल यहाँ पे आकर, व्यू भी काफी अच्छा है, और आप दोनों दृष्टि से इधर आ सकते हो, धार्मिक के भी, पिकनिक के भी, हाँ पिकनिक के हिसाब से भी आ सकते हो, शांति के लिए, व्यू काफी अच्छा है, सबसे बेस्ट जगह लगी हमें जब तक घूमे, और नॉलेज के लिए भी आपको काफी कुछ मिलेगा इधर। ये चीज बता रहे थे हरियाणा के आए हुए यात्री का। ऑल द बेस्ट, लाइक करना भाई जन। और जहाँ तक मुझे लगता है सतोपंत इस साइड को है, इस वाले साइड को, इस वाले नहीं, इस वाले साइड को, क्योंकि वसुधारा जो आपकी ये नदी आ रही ना अलकनंदा, वो वहीं से आ रही सतोपंत से। ये देखो क्या मस्त लग रहा है, वाव। और इसके ऊपर होगा मेरे हिसाब से ग्लेशियर, इसी के ऊपर से ग्लेशियर होगा, मतलब यहाँ कहीं इसके ऊपर से ग्लेशियर होगा, तो ग्लेशियर से ही आ रही है, क्योंकि ऐसे पानी तो आने से रहा तो ग्लेशियर ही से आ सकती है। पिछले बार जब मैं और विनोद आए थे ना, तो काफ़ी बर्फ़ थी यहाँ पर, तो इस बार इतनी बर्फ़ नहीं है, इस बार कम बर्फ़ है, और इस बार हम एक महीने मैं एक महीने बाद आ रहा हूँ। पिछले बार हम एक महीने पहले आ गए थे, मतलब हमने आपके दर्शन कर लिए थे करीब करीब मई 24 तारीख को, तो इस बार और उस बार में अंतर है, एक महीने में काफ़ी बर्फ़ पिघल गई होगी, इसीलिए चलो वहाँ पर चलते हैं, पानी गिरता है नहीं गिरता है देखते हैं। पर पानी उतने ऊपर से ना जैसे गिर रहा है, तो वो फॉग टाइप पर बन के एक साइड को हट जा रहा है, मतलब इसीलिए किसी के ऊपर नहीं गिरता, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से कुछ कोई गिरा रहा होगा पानी को, और वो उड़ जा रहा होगा, तो ये चीज़ है। चलो वो देखो करीब करीब ज़मीन से नीचे होगा ना, 500 फीट की ऊंचाई पर होगा, तो उतने ऊपर से जब पानी गिर रहा है ना, तो वो एक तरह से उसके ना टन बदल जा रहा है, मतलब वो एक साइड पे चले जा रहा है, और वो पानी जो है वो कोबरा के तौर पर बन जा रहा है, जैसे कि आपको एक कैमरा में दिखाऊं मैं, देखो कोहरे के तौर पर बन जा रहा है, कोहरे के तौर पर बन जा रहा है, तो इसीलिए यह है पूरी तरह से ग्लेशियर बर्फ़ का, पर नीचे से ये भी खाली हो गया, और ये ज़्यादा से ज़्यादा गिर रहा है नीचे, मतलब आपके जो वो वाला पत्थर है ना उसमें गिर रहा है, और उसमें जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेरे गोप्रो में ना पूरी तरह से पानी से भर चुका है ये, और थोड़ी सा ठीक लग रहा है,
देखो उतने ऊपर से सीधे नहीं आ रहा पानी, यहाँ कहीं बीच में ना टकरा रहा है, क्योंकि वो बहुत ऊपर है ना, बहुत ऊपर है, वहाँ से पानी वहाँ टकरा रहा है, उसके बाद से फिर उसकी जो दिशा है ना वो बदल जा रही है और वो उस तरफ को चले जा रहा है, तो इस वजह से वो लोगों के ऊपर नहीं गिरता। साइंटिफिक रीजन है वो ये है, एकदम से ऊपर से गिरना। अगर किसी भी पानी को इतने ऊपर से गिराएंगे ना तो वो मुश्किल से किसी के ऊपर गिरेगा, क्योंकि वो 500 अब करे करे 500 फीट से तो गिर ही रहा होगा, वो 40-50 फीट तो नहीं कह सकते, 500 या 250 या 500 फीट करीब तक तो होगा, तब जाके इसीलिए उसकी जो दिशा है वो चेंज हो जा रही है, तो इसीलिए वो नहीं गिर रहा है किसी के ऊपर, तो मेन कारण उसका यही है, मेन कारण उसका यही है। आप देखो आर के टी ब्लॉग 9 पर जब हम पिछली बार आए थे ना यहाँ पर तो ये पूरी तरह से भरा था, पता नहीं। और यहाँ को भी और नीचे तक बर्फ थी इसमें, पूरी तरह से यहाँ को पूरा बर्फ थी इसमें, ये भी टूट गया है। और आप यहाँ से निकलते हैं एक साइड को, क्योंकि ये नीचे से धंसा हुआ है, इसीलिए इसको ज़्यादा करने की जरूरत है। पूरी तरह से ये नीचे से खाली हो चुका है, अभी भी टूट सकता है, एक तो ग्लेशियर ही तो है वो, बर्फ़ का पानी तो है, तो इसीलिए ये चीज़ है। चलो वसुधारा भी देख ही लिए है, पानी मुश्किल से गिरता है इस, क्योंकि मेन चीज़ ये है ना, पानी जो है ना वो फॉगी बन जा रहा है, और उसके लिए हमें कपड़े खोल के उस साइड से वहाँ जाना पड़ेगा या इसके नीचे से जाना पड़ेगा, तब आपके ऊपर ये पानी गिरेगा, तो क्योंकि पानी की जो दिशा है ना वो उस तरफ को है, उस तरफ को, पानी की दिशा अगर सीधे होती ना तो इन पत्थरों पर अवश्य गिरता हो, यहाँ गिरता, पानी की जो दिशा है वो उस तरफ को, इसीलिए पानी नहीं गिर रहा। चलने में सुबह से कम नहीं भी चलते हो ना, 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर तो चले गए होंगे, पहले नीलकंठ बेस कैंप गए, फिर यहाँ आए, और टोटली मैंने अभी तक 25 किलोमीटर चल चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ आज का, मैं टोटल 25 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक का, देख रहा है ये अभी तक का, कल चला था मैं आपके 31.2 किलोमीटर, आज चला हूँ 25 किलोमीटर चल गया, मैं तो 10-12 की कह रहा था, टोटली 25 किलोमीटर चल चुका हूँ, मतलब 15 × 2 = 30, 10 किलोमीटर का ट्रैक ये है, और 5 किलोमीटर का ट्रैक मैंने वो किया, नहीं 10 किलोमीटर का ये किया और 10 किलोमीटर का मैंने वो किया, तो हो गया आपका 20, और 2-3 किलोमीटर का मैंने ये ऐसे घूम फिर के कर लिया है, तो टोटल मिला के 25 किलोमीटर कर लिया है। वसुधारा भी आपके जो सरस्वती नदी जहाँ से बहती भीमपुल पर्वत पर ना स्वर्गारोहणी से टोटल आपका है 10 किलोमीटर का, तो आप समझ लीजिए 10 किलोमीटर का टोटल ट्रैक कर लिया। अब यहाँ से सीधे निकलते हैं, थोड़ी सा और भूख लगी, खाना खाते हैं, फिर तेल भरा के सीधे निकलते हैं। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पांडकेश्वर मंदिर, जो कि सेकंड बद्रीनाथ है, और मंदिर आपका वो है, देख रहा है इसमें नहीं दिख रहा वो इतना, तो सीधे ये रास्ता मंदिर को, और पूरा सामान ये हाथ में रखा है, ये भी हेलमेट भी सारा सामान लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रखने का ना कोई साधन ही नहीं है, तो ऐसे ही अपने साथ ले जाना पड़ेगा, सामान भी इतना हो गया ना, और कुछ सामान कम करना पड़ेगा, क्योंकि कल
वैली ऑफ फ्लावर करना है तो कुछ सामान अपना यहीं छोड़ देना पड़ेगा, तो जिससे ऊपर जाके परेशानी ना हो। एक साथ वैली ऑफ फ्लावर और दूसरा हाईएस्ट मंदिर और गुरुद्वारा दो करने हैं मुझे, फिर परसों को भविष्य बद्री की तरफ को निकल जाऊंगा। सो मंदिर आएगी योग बद्री के, तो योग बद्री में मतलब वैसे पांडुकेश्वर में दो मंदिर हैं, और एक मंदिर जो कि पांडवों के पिता का है और दूसरा स्वयं नारायण का है। अब मेरे हिसाब से ये नारायण का है और ये उनके पिता का है। अब मैं मेरे को नहीं पता है कि कौन सा उनका है कौन सा उनके पिता का है, पर ये दोनों वास्तुकला मतलब कत्यूर राजवंश के टाइम पर बना हुआ मंदिर है, मतलब 9वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ मंदिर है ये, ठीक है। इसके बारे में जितना भी लिखा गया है यहाँ ऊपर लिखा गया है, आप अगर पढ़ सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। इनके योग बद्री हैं, वासुदेव मंदिर पांडुकेश्वर। देखो थोड़ी सी इंक हट गई है इसकी, बाकी आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व रखा जा सकता है, मतलब यहाँ पर ना 5 ताम्रपत्र मिले थे और उस ताम्रपत्र में यहाँ के वो अभिलेख और शिलालेख रखा गया था, 5 ताम्र वो ताम्रपत्र ये सब इसी मंदिर में मिले। तो ये भी वही आपके सप्त बद्री में से एक बद्री ये मंदिर भी आता है, यहाँ पर भी दर्शन कर लिए और आप सीधे निकलते हैं अपने नीचे की तरफ, और आज गोविंद घाट में रुकना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों को, जय बद्री विशाल की। शिव मंदिर तो आपको पता है, पर एक्चुअल में वर्ल्ड का हाईएस्ट मंदिर आपको पता है नहीं है ना, तो कल मॉर्निंग आपको वो भी बताऊंगा, और साथ में वर्ल्ड का हाईएस्ट गुरुद्वारा भी जाएंगे, दोनों एक साथ ही हैं, तो ये चीज़ है। और अभी अलकनंदा का उफान देखो कितना तेज बह रही है, देखो पूरी तरह से ऐसे नहीं भाई, ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कौन सा ब्लॉग चैनल है? आरकेटी ब्लॉग 9 भाई साहब, सारे सब्सक्राइब करो भाई को, मैं भी सब्सक्राइब करूँगा भाई साहब आपको, साठ बंदे ना मैं देखूँगा ये पक्का। गोप्रो एक गोप्रो ने बिल्कुल जा रहे हो? आ रहे जा रहे हो? अब गाँव पर बिलीव मत करना जी, सब सही है यहाँ पर, बहुत सही है यहाँ पर। अर्ली मॉर्निंग कल चेक जितना भी होगा ना, वो जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई होगी ना, तो भाई मेरे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं वो चीज़, कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाते हैं अच्छे, वो तब जाके यहाँ पर भी ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है अंदर 50 मीटर के दायरे के अंदर, तब मैं बाहर आ गया, नहीं तो पहले से अंदर वीडियो बना सकते थे, पर आप नहीं हैं, अब आप अंदर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, और अगर बना भी दिया है तो गलती से पकड़े जाओगे तो बहुत मार खाओगे, फिर आप लोगों को पता है, ठीक है ना। हमारे धर्म में तो थोड़ी बहुत चल भी जाता है, पर दूसरे धर्म में ना नहीं चलता है, तो इसीलिए मैं अपना बैग हैग सब छोड़ के आया हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं गाइस आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखें, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।